हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ एकदम ईजी वे में। सब कुछ मैंने बना रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। तो जो पहला हमारा टॉपिक है, हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर मैं बात करूं रैशनल नंबर, ठीक है, कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो आप छोटी क्लासों में पढ़ के भी आए होंगे, कोई भी नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखी जाती है, एनी नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, p हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर होता है, एंड q हमारा क्या होता है, डिनोमेटर होता है ना। हर एक नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में होगा, वेयर क्योंकि वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, मतलब डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं हो सकता, पी और क्यू आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, है ना। पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, एंड इन दोनों का एचसीएफ कंपलसरी है, ये चीज कि वन होगा, ठीक है। अगर कोई नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, पी और क्यू हमारे इंटीजर्स हैं और एचसीएफ हमारा उन दोनों का वन आ रहा है, तभी जाके वो नंबर रैशनल नंबर होगा, ठीक है, अदरवाइज वो रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया टू अपॉन थ्री, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं है और इन दोनों के एचसीएफ वन भी है, मैंने यहाँ लिख दिया जैसे कि माइनस के 1/7, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है, इज जीरो रैशनल नंबर, जीरो भी एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि जीरो को मैं 0.2 लिख सकता हूँ, ठीक है, दोनों के दोनों इंटीजर ऊपर जीरो हो सकता है, नीचे जीरो ना हो, ठीक है, बाकी सारे कंडीशन को ये होल्ड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ क्या होती है बच्चों, जितने भी आपके टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स वो रैशनल नंबर होते हैं, जिस वो क्या होता है, रैशनल नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल, हाँ एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.73, टर्मिनेट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग अगर कोई नंबर है लेकिन वो रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अगर आपके पास कोई नंबर है तो वो भी क्या होते हैं, वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2.3333 बार बार आ रहा है, यानी कि 2, 3 बार बार 3 के ऊपर बार लग गए, पैटर्न हमें दिख गया, तो ये आपके क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे। और जो 22.7 एक वैल्यू होती है, कन्फ्यूज़न इसमें रहते हैं बच्चों, तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, तो ये होता है रैशनल नंबर। अच्छा इरेशनल नंबर क्या होता है, अब देखो रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, 1.1 में मैंने आपको बताया था, रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक रैशनल एक इरेशनल। अगर रियल नंबर में कोई नंबर रैशनल नंबर नहीं तो वो इरेशनल होगा। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना हो, या फिर इनमें से किसी भी एक प्रॉपर्टी को वो मना कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे अगर कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, कोई प्राइम नंबर है और उसके ऊपर लगा रखे हैं हमने अंडर रूट या फिर क्यूब रूट, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है कोई, जैसे फॉर एग्जांपल √2, √3, ये सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, एग्जांपल के तौर पर ये मैं लिख दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मिनट, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल मैं दूँ, जैसे मैंने लिख दिया 2.73040001, ऐसा कुछ पैटर्न नहीं चल रहा है, डॉट डॉट के छोड़ दिए, तो ये क्या है हमारे, ये हमारे इरेशनल नंबर है, ठीक है। जनरली एक नोट कर लिया, पाई जो होती है, पाई एक कैसी क्वान्टिटी है, एक इरेशनल नंबर है, ये हमेशा याद रखिएगा, पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक। अब
अब कुछ नोट करके लिखाऊंगा मैं आपको, मैं हमेशा एकदम सिंपल वे में रखता हूँ एक्सप्लेनेशन, आप एक एक बार में समझ जाएंगे। नोट लिख लीजिए, अगर आपको इसकी मेरे हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो कॉम डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। नोट क्या है सिंपल लैंग्वेज में, अगर रैशनल नंबर में रैशनल नंबर जोड़ो या फिर माइनस करो, रैशनल ही रहता है। अगर रैशनल नंबर में डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो किसी रैशनल नंबर से तो वो रैशनल नंबर रहता है, ठीक है। ये पहला नोट याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है उसे आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो इरेशनल नंबर से तो इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है उसमें आप ऐड करो या फिर माइनस करो इरेशनल नंबर तो वो इरेशनल हो जाएगा। अब इसमें एक चांसेस स्पेशल केस होता है, ठीक है, केस थोड़ा देखो। अगर सेम टाइप के सेम रैशनल नंबर है, सेम रैशनल नंबर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट टू है, उसको मल्टीप्लाई किया मैंने अंडर रूट टू से, तो अंडर रूट सेम टाइप का होगा तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा, टू आ जाएगा, जो कि क्या है रैशनल नंबर, सेम रैशनल नहीं सेम इरेशनल, ठीक है। सेम इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करोगे रैशनल आ जाएगा, ओके। और वही चीज़ है, सेम रैशनल नंबर के अगर डिवाइड करोगे कट के एक रैशनल नंबर आ जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? ये थोड़ा स्पेशल केस है, अगर सेम होगा तो रैशनल हो जाता है, क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.3 में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और हर साल यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं, कह रहे प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें एक स्पेशल मेथड चलते हैं, क्या करते हैं ना, इसका अपोजिट हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, हम लेट क्या कर लेते हैं इसका अपोजिट, लेट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, ये हम लेट कर लिया। ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज में लिखाऊंगा, ये मैंने रैशनल नंबर इसको लेट कर लिया, भैया अगर ये रैशनल नंबर है रूट 5 तो इसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, आपने अभी बताया था। और सर भैया यहाँ पर डिनोमीटर में जीरो भी नहीं हो सकता, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, और क्या मैंने बताया था आपको, भैया आपने ये भी बताया था कि p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, ठीक है, और क्या बताया था भैया आपने, ये भी बताया था कि जो HCF होता है ना p और q का वो 1 होना चाहिए, मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है। और हमारा मेन मोटो क्या होगा कि किसी भी एक प्रॉपर्टी को हमें मना करना है, एट द एंड हमें तो इसको इरेशनल प्रूफ करना है ना, हम रैशनल लेके चल रहे हैं, और हमारा मेन टारगेट यही है कि हमें किसी एक चीज़ को मना करके दिखाना है, ठीक है, ये एक्चुअली थ्योरम टाइप होता है। अब अच्छा सर आपने, भैया आपने ये बोला था कि इसके अपॉन में कुछ नहीं तो एक ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, अब ये पूरा थ्योरम टाइप बन जाएगा, पी बन जा पी, और यहाँ से आ जाएगा रूट 5 क्यू, फिर क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक है भैया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, और यहाँ से रूट 5 का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 5 का, तो 5 आ जाएगा, रूट हट जाता है स्क्वायर करने पर, और यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ओके। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है 5 है, तो लिखेंगे सिंस पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देयर फोर पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब कई बच्चे बोलते हैं सर आपने ये कैसे बोल दिया, अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो तो आप कैसे बोल दे रहे हो कि पी भी 5 से डिवाइड होगा, सिंपल लॉजिक है, देखो 25 है, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, ये 5 से डिवाइड है, बिल्कुल, अब इसका स्क्वायर रूट है 5, तो ये भी तो 5 से डिवाइड होगा, पूरा डिवाइड हो रहा है ना। अगर कोई नंबर को पी स्क्वायर जो 5 से डिवाइड हो रहा है ना, तो पी भी 5 से डिवाइड होगा, बेसिक से लॉजिक लग गया। अगेन अब आपको क्या करना है, ये स्टेप, ये एक्चुअली थ्योरम होता है, ठीक है ना, ये प्रोसीजर आपको फॉलो ही करना है। यहाँ पे पी था तो यहाँ लेट कर लेंगे, लेट पी इज इक्वल टू नंबर क्या 5, तो यहाँ आर लेट कर लो। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बहुत सारे स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा पी स्क्वायर 5 का 25, आर का आर स्क्वायर। भैया यहाँ तो पी स्क्वायर आ चुका है, दोबारा क्यों ला रहे हो, फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे, ठीक है,
इनपुट वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, ठीक है, यहां पर रख देंगे तो वो क्या है, फाइव क्यू स्क्वायर, फाइव से कट जाएगा, फाइव फाइव जो, सो क्यू स्क्वायर हमें क्या मिल गया, फाइव आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे फिर से कोएफिशिएंट क्या आ गया, फाइव आ गया, तो वही लिखेंगे, सिंस क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई फाइव, देयर फोर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई फाइव, नो डाउट ये चीज हो गई होगी, सिंस पी एंड क्यू बोथ डिविजिबल बाई फाइव। आप देख रहे हैं ना, पी भी फाइव से डिवाइड हो रहा है, क्यू भी फाइव से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स जो एच सी एफ होगा पी और क्यू का वो फाइव होगा, लेकिन हमें तो वन चाहिए था, ये वन के इक्वल बिल्कुल नहीं आ रहा है, और यही तो हमें चाहिए था एक्चुअली, कि कोई भी एक प्रॉपर्टी मना कर दे। अगर ये बच्चा, अगर ये रैशनल नंबर होता तो इसको एच सी एफ वन देना चाहिए किसी भी हालात में, भैया ये तो पाँच दे रहा है, यानी कि ये रैशनल नंबर हो ही नहीं सकता, विच इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस, विच इज अगेंस्ट आवर हाइपोथेसिस। सो रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे और इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, हैंस प्रूव्ड। कहीं पे भी कोई डाउट हो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, ठीक है, और यही प्रोसीजर है, ठीक है, इससे शॉर्ट भी कुछ नहीं है, इससे लंबा भी कुछ नहीं है, इतना आपको लिखना ही पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक है, ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है, आई होप आपको समझ में आ गया, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रॉब्लम पे आते हैं, क्या बोला है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखो बच्चों क्या करेंगे, सॉल्यूशन पे आ जाएंगे, फिर से वही काम करना है, लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, ये हमने बोल दिया कि भैया ये एक रैशनल नंबर है, अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसे मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जैसे अभी मैंने बताया था, बिल्कुल भैया लिख सकते हैं, और क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, एंड एच सी एफ क्या होगा पी और क्यू का, वन होगा, ये सब बच्चे लिखते नहीं है, नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, है ना, एंड पी एंड क्यू क्या होता है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है, ये हमारे इंटीजर्स हैं। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी प्लस माइनस ऐसा कुछ हो तो लॉजिक क्या है, रूट वाले को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ, ठीक है भैया, भैया यहाँ पर तीन है प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, मैंने कहा, मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, भैया आप देखो यहाँ पर ये टू इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है। अब क्या भैया, अभी आपने हमें आपने पढ़ाया था कि भैया अगर पी अपन क्यों रैशनल है, रैशनल में से रैशनल माइनस करेंगे रैशनल आएगा, और रैशनल को रैशनल डिवाइड करते रैशनल होता है, तो ये जो क्वांटिटी है वो रैशनल है, और ये क्वांटिटी अभी हमने प्रूफ किया है इरेशनल है, तो इरेशनल और रैशनल कभी इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं, तो वही लिखेंगे, सिंस पी अपॉन क्यू माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, बट वी नो दैट रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर, हेंस फ्रॉम फर्स्ट जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारा वो इक्वल नहीं हो सकता, वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ये चीज इसके इक्वल कभी नहीं हो सकती, है ना, ये हमने मेंशन कर दिया, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, आवर अजम्पशन जो हमने माना था वो गलत आ गया, कि भैया ये रैशनल नंबर ही गलत आ गया, अगर सही होता तो इक्वल आना चाहिए था, देयरफॉर 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर,
आ गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये सिंपल सिंपल प्रॉब्लम है। और एक चीज़ मेरे को लगे हाथ आपको बतानी है, नोट नोट कर लीजिए। अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर है जैसे 2/3, तो अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे 3/2, वो भी एक रैशनल नंबर होगा। दुनिया में सिर्फ एक इकलौता एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल रैशनल नंबर नहीं होता, वो कौन है? ज़ीरो। ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, बट इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो दुनिया में सिर्फ एक नंबर को छोड़कर, ज़ीरो को छोड़कर, बाकी जितने भी रैशनल नंबर हैं उन सब का रेसिप्रोकल रैशनल ही होता है, एक्सेप्ट ज़ीरो। ओके, सो इस चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस प्रॉब्लम में, ठीक है? इस प्रॉब्लम में इसका यूज़ कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, उल्टा हम लेट 1/√2 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है? अगर ये रैशनल नंबर है सो इसको मैं लिख सकता हूँ P/Q के फॉर्म में, जहाँ पर क्यू ज़ीरो नहीं होगा, हैं, एंड HCF जो होगा P और Q का वो 1 होगा, एंड P एंड Q आर क्या होंगे? इंटीजर्स। ये सब मेंशन करना है, नहीं करोगे नंबर कटेंगे। अब मैं अगर रेसिप्रोकल करता हूँ, क्योंकि P/Q मेरा क्या है, ये वाला ज़ीरो नहीं है, मैंने पहले ही मेंशन किया है, ठीक है? सो ये ज़ीरो नहीं है, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, √2/1, ये √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा Q/P। सिंपल वे में करा रहा हूँ। तो Q/P क्या है? रैशनल। √2 क्या है? इरैशनल। अब आप खुद देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, ठीक है? सिंस Q/P इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है, इज़ अ रैशनल नंबर, बट वी नो दैट, क्योंकि 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के ऊपर अंडर रूट है, यानी कि ये इरेशनल होगा। बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस फ्रॉम फर्स्ट ये जो √2 है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता इसके, ठीक है? आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है? ये हमें हमारा आंसर मिल गया। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, आराम से बन गया। चलिए अगले पार्ट पे आ जाते हैं। अगले पार्ट पे क्या है, देखिए वही प्रोसीजर है, लेट 7/√2 इज अ रैशनल नंबर। अब YouTube में अगर आप देखोगे, इसी वीडियो को 1.5 घंटे में लोग पढ़ा रहे हैं। इसमें 1.5 घंटे वाली भाई कुछ चीज़ ही नहीं है, तुम फालतू में लोगों का टाइम बर्बाद करते हो, है कि नहीं? मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे प्रीशियस जो चीज़ है वो है टाइम। अगर किसी बच्चों को आप कम समय में बहुत अच्छा समझा पा रहे हो तो वही दोनों के लिए बेस्ट है, बट लोग टाइम के लिए वीडियो लंबा खींचे, रैंक करें वीडियो, वीडियो पर एड्स ज़्यादा आ जाए, यही सब सोचते हैं। ये सोचना मेरा कभी भी नहीं है, ठीक है? सो अगर ये रैशनल नंबर है तो दिस नंबर विल बी रिटन एज P/Q। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पर Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, एंड P और Q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, एंड HCF जो होगा P और Q का वो 1 होगा। ये ज़रूर लिखना, बच्चे ये मिस कर देते हैं, लॉजिक वही है, ठीक है? अंडर रूट को एक तरफ रखो, ये 7 × में इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में P/Q रैशनल 1/7 रैशनल, रैशनल इंटू रैशनल रैशनल होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, ठीक है? सिंस P/P/ में क्या है, 7Q इज अ रैशनल नंबर, ठीक है? बट
वी नो दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये जो चीज इक्वल है वो कभी इक्वल हो ही नहीं सकती, रैशनल और इरेशनल कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, एक मियान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती है ना, तो ये जो चीज है वो कभी इक्वल नहीं होगी, यानी कि हमारा जो अजम्पशन है वो गलत है, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है, देयर फोर 7 × √5 इज एन इरेशनल नंबर। कोई डाउट कोई दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, आई एम श्योर कोई डाउट होगी ही नहीं अगर आप प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख रहे हैं तो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस वीडियो के, ठीक है, और आपको तो पता ही चल गया होगा कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, जब भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो, लेट 6 + √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, इसको हमने रैशनल नंबर बोल देना है, जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, तो उससे इसे मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं हो सकता, लॉजिक वही है, 6 + का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और इसे हम एक इक्वेशन बोल देंगे, वही लिखेंगे सिंस P/Q − 6 इज अ रैशनल नंबर, क्यों P/Q रैशनल है, 6 रैशनल, रैशनल में से रैशनल माइनस करो रैशनल होता है, बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट ये जो चीज है वो कभी आपस में इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा जो मानना था वो गलत निकल गया, अजम्पशन इज wrong, therefore 6 + √2 must be is an irrational number, ठीक है, ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, अगर आपको इसका नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करें ना, बाकी सब कुछ मैंने बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा रखा है, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, पसंद आई तो लाइक करें, नहीं आई तो डिसलाइक करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।